अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जुगनू मैथ की तरफ से खुश आमदीद। हम आपके लिए लेके आए हैं क्लास 9th और क्लास 10th के टेक्स्ट बुक की सॉल्यूशंस। वीडियो शुरू होने से पहले मेरी आप सबसे दरख्वास्त है कि हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा और साथ ही बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो आप तक पहुँचती रहे। थैंक यू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, 10th क्लास क्वाड्रेटिक इक्वेशंस जुगनू मैथ की तरफ से बच्चों आज आपसे हम क्वाड्रेटिक फार्मूला की डेरिवेशन डिस्कस करेंगे। क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या है बच्चों? ये क्वाड्रेटिक फार्मूला जो आपके सामने लिखा हुआ है, ये क्वाड्रेटिक फार्मूला बच्चों कैसे बना है आपसे क्वेश्चन किया जा सकता है। ड्राइव द क्वाड्रेटिक फार्मूला, यह आपसे कहेगा प्रूव दैट एक्स इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी ओवर टू ए। बी क्या है, ए क्या है, सी क्या है, ये सारी चीजें आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में मालूम है। ये बच्चों आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो। ए बी सी कौन है वो आपको मालूम है, वही वहां क्वाड्रेटिक फार्मूले बच्चों चीजें इस्तेमाल हो रही हैं। अब ये कैसे बना है बच्चों वो डिस्कस करने जा रहे हैं। वो डिस्कस करने से पहले बच्चों आपको कंप्लीटिंग स्क्वायर से आपको मेथड आप डिस्कस कर चुके हैं, बल्कि आपको पिछले लेक्चर में कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से एक्स यानी सॉल्यूशन फाइंड आउट कर चुके हैं। तो बच्चों यहाँ भी हम एक्स कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से ही मालूम करेंगे। समझ लें यहाँ पे अब आपके पास कोफिशिएंट अननोन है, ए बी सी है वही जो कि आप कल सॉरी पिछले लेक्चर में बच्चों आप डिस्कस कर चुके हैं। अब बच्चों सबसे पहले आपके पास ये फार्मूला आपको मालूम है, ए स्क्वायर प्लस टू ए इंटू बी प्लस बी का स्क्वायर किसके इक्वल है बच्चों, ए प्लस बी का स्क्वायर इसके इक्वल है। तो बच्चों मैं चाहता हूं कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड में ये फार्मूला इस्तेमाल करना, क्योंकि यहाँ प्लस प्लस है, मैं प्लस का फार्मूला कैश करना चाहता हूं। मैं इस लेफ्ट हैंड साइड को ये साइड बनाकर किसी तरीके से ये कैश करना चाह रहा हूं। तो कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से बच्चों आप क्वेश्चन कर चुके हैं प्रीवियस लेक्चर में, बस यहाँ पे अननोन है, वे सारा वही है, ठीक है। अब आप ये देखें ए स्क्वायर के साथ यहाँ पे कोफिशिएंट क्या है, वन जो के, लेकिन यहां पर एक्स स्क्वायर के साथ कौन है बच्चों, यहाँ ए है, आपको ए नहीं चाहिए। पहली बात दिमाग में याद रखें कि भाई आपके पास जिसके जो स्क्वायर है उसके नीचे ए है, इस ए से आप कंफ्यूज मत हो, ये जनरल है। यहां कोई नंबर होता थ्री लिखा जा सकता है, फोर लिखा जा सकता है उस, तो बच्चों इससे आपने कंफ्यूज नहीं होना। इस फार्मूले में जो आपने स्टैंडर्ड फॉर्म पढ़ी है, इस फार्मूले में आपके पास जिस पहली जो टर्म है स्क्वायर के नीचे जो होगा ए होगा। तो बच्चों स्क्वायर के नीचे ए कौन है एज ए एक्स, तो ए का रोल कौन पे कर रहा है इस क्वेश्चन में, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एक्स रोल पे कर रहा है बच्चों। आपको ए नहीं चाहिए तो ए से आप क्या करेंगे डिवाइड, तो बच्चों हर टर्म को आप ए से डिवाइड कर दें। जब ए से डिवाइड करेंगे इसकी शेप बच्चों ये आ जाएगी, हर टर्म को आपने ए से डिवाइड कर दिया। तो जब बच्चों ए से डिवाइड कर रहा है ये ए से ए बच्चों कैंसिल हो जाएगा और यहां पर ए आ जाएगा और यहां डिनोमिनेटर, और ये बच्चों राइट हैंड साइड जीरो बाय ए क्या हो जाएगी जीरो। तो बच्चों ये आपके पास जीरो हो गया और ये बच्चों यहां रिमूव हो गया, तो आपके पास शेप जो नहीं बनी बच्चों मैं इसे साफ करके अरेंज करके लिखता हूं ताकि आपको थोड़ा क्लियर हो। तो ये बच्चों एक्स का स्क्वायर प्लस b ओवर a इंटू एक्स, क्योंकि आपने a से डिवाइड किया था हर टर्म को, राइट हैंड साइड जीरो था बच्चों। ये फार्मूला मैंने इसलिए लिखा हुआ, मैंने अब इसको फॉलो करके आपको साथ मैचिंग करानी है। तो बच्चों ये दोबारा लिख लेते हैं, कोई इशू नहीं है लिखने में बार बार। तो बच्चों फार्मूले में यहां पे a स्क्वायर है, तो a बच्चों आपके पास क्या है एज ए एक्स। अब बच्चों आपको टू ए बी चाहिए, टू ए इंटू बी और प्लस बी का स्क्वायर। तो ये फार्मूला हम लिख लेते हैं क्योंकि हम इसकी हेल्प लेंगे, इससे मैचिंग करेंगे बच्चों। तो ए हमारा इन्वेस्टिगेट हो गया, एक्स है। अब बच्चों टू इस फार्मूले को, अब फार्मूले में बच्चों आपने इस फार्मूले को फॉलो करना है, तो उस फार्मूले में टू ए बी वाली टर्म आप बोलें आप इस पर फोकस क्यों कर रहे हैं टू ए बी, क्योंकि बच्चों ए आपका इन्वेस्टिगेट हो चुका है, बी इन्वेस्टिगेट करना है।
अब आपके पास दो टर्म में बच चुकी है, इसको तो आपने एंगेज कर दिया यहां पर। अब इन दोनों में आपने किसी तरीके से बी इन्वेस्टिगेट करना है। अब 2ab वाली टर्म बच्चों आप सोचेंगे ये है या ये है, यानी ये इस फार्मूले के मुताबिक 2ab वाली टर्म ये है या ये है। तो बच्चों जब आप फार्मूला 2 लिख दें उसके बाद ये a एज ए यहां पर आ गया, तो इसका मतलब x इन्वॉल्व हो गया। तो x वाली टर्म कौन सी है बच्चों, ये x है ये x है? नहीं है। इसका मतलब ये 2ab वाली टर्म नहीं है, यानी ये एज ए 2ab वाली टर्म नहीं है बच्चों, बल्कि ये आपके पास 2ab वाली टर्म है। क्यों? क्योंकि a आपका इन्वेस्टिगेट हो चुका है x, तो a यहां किस में है, इस टर्म के अंदर एज ए x एज ए a का रोल प्ले कर रहा है। तो बच्चों इसका मतलब क्या हो गया, आपकी सेकंड टर्म आप उसको 2ab कंसीडर कर रहे हैं। अब उसमें b इन्वेस्टिगेट किसी से करना है, 2a a आपने पेस्ट कर दिया यहां से मालूम हुआ इस मैचिंग से। अब आप बच्चों यहां पे कोशिश करेंगे वो टर्म लिखें कि इन तीनों को मल्टीप्लाई करें और ये रकम आ जाए। अब बच्चों इसमें देखें x आपके पास मालूम पहले से पड़ा हुआ है, तो x तो ऑलरेडी यहां पड़ा हुआ है, इट मींस आपको b ओवर a, तो सोचें इन तीनों में b ओवर a है नहीं है, तो इसका मतलब इस जगह ये जगह खाली है, इस जगह पर b ओवर a लगा दें। अब इन तीनों को मल्टीपल करें तो आपके पास क्या रहा है बच्चों, 2x बी एक्स ओवर ए। अब बच्चों यहां पे 2 चाहिए नहीं आपको, इसका मतलब इस 2 को रिमूव करना है, इस 2 को, तो इस 2 को रिमूव करने के लिए बच्चों आप क्या करेंगे, इस डिनोमिनेटर में यहां 2 ले लें। अब आपके दिमाग में आ रहा हो कि आप x को क्यों नहीं इन्वॉल्व करें, इसके नीचे 2 क्यों नहीं लिखा, तो बच्चों ए हमारा इन्वेस्टिगेट हो चुका है, इसमें हम कोई नई छेड़छाड़ नहीं कर सकते, वो फाइनल हो गया। मेन हमें बी इन्वेस्टिगेट करना है, तो हम इसमें सोचेंगे कि इस डब्बे में इस ब्रैकेट में हम क्या कर सकते हैं कि इन तीनों को मल्टीपल करें वो चीज आ जाए। कौन सी, ये सेकंड टर्म, ये एज ए 2ab है, लेकिन कैंसिलेशन होकर ये शेप आ रही है, ये शक्ल बनी हुई है। तो अब बच्चों आपने जब a यहां लिख दिया तो मैंने क्या किया, सबसे पहले सोचा कि वहां पर x है तो x वैसे ही है और एज ए नोमिनेटर में है, और b ओवर a चाहिए तो बच्चों मैंने b ओवर a लगा दिया, लेकिन ये 2 नहीं चाहिए तो इसलिए बच्चों यहां डिनोमिनेटर में 2 लगा दिया। यहां इसलिए लगाएंगे क्योंकि ये फाइनल हो चुका है, इस टर्म में आप जो भी मॉडिफिकेशन करेंगे यहां करेंगे, तो बच्चों आपका b ओवर 2a इन्वेस्टिगेट हो चुका है। अब बच्चों इस कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड में जब आपको b इन्वेस्टिगेट हो गया, यानी ये b इन्वेस्टिगेट हो गया, अब आपको b का स्क्वायर चाहिए, तो सोचेंगे ये b का स्क्वायर आपका बना रहा है नहीं, तो इसका मतलब आपके पास बी स्क्वायर है ही नहीं। तो बच्चों ये सी ओवर ए जोन सा, पहली बात आप राइट हैंड साइड पे ले जाएं, उस तरफ जाके क्या हो जाएगा, जीरो वाली साइड पे माइनस सी ओवर ए हो जाएगा। अब बच्चों आपको क्या चाहिए, किसी तरीके से बी, बी तो आपको मालूम हो चुका है, तो इसका मतलब इसका स्क्वायर लाना है। अब स्क्वायर आपके पास है नहीं, टोटल टर्म में 3 है, ये स्क्वायर बी का स्क्वायर बनने को तैयार नहीं है। इसका अगर मैं स्क्वायर लूं बच्चों तो थोड़ा गौर से देखिएगा, यहां बताता हूं b ओवर 2a का मैं स्केयर अगर लिखता हूं तो b स्केयर ओवर 4a स्केयर। अब सोचो ये टर्म यहां पर इन तीनों के पास है ही नहीं, जब तक ये नहीं लिख पाएंगे, जब तक आपका बच्चों ये कंप्लीटिंग स्केयर नहीं बन सकेगा, जब कंप्लीटिंग स्केयर नहीं बनेगा तो बच्चों आपका x जो सॉल्यूशन आप मालूम करना चाह रहे हैं वो नहीं तैयार होगा। तो इस वजह से बच्चों आप अपने पास यहां क्या करेंगे, एड भी करेंगे क्या, बी, बी कौन है बच्चों, ये सारा बी है आपके पास, इस फार्मूले से मैचिंग करें तो इसका स्केयर अपने पास से ऐड भी कर दें, इसका स्केयर अपने पास से सब्ट्रैक्ट भी कर दें बच्चों। अब बच्चों मैं इस फार्मूले को रिमूव करता हूं, इस फार्मूले को, लेकिन पहले इससे देख लें यहां से लेकर यहां तक बच्चों, इस टर्म से लेकर जो मैं जिगजैग बना रहा हूं यहां तक, ये पूरा एक कंप्लीट स्केयर ओपन हुआ पड़ा है, उसे रिवर्स शेप में बच्चों में अगर मैं ऐसे लिखता हूं एक्स प्लस बी ओवर 2a का स्केयर, तो बच्चों इसमें कोई मुजायका नहीं है, इसे आप हल करें, देखें a की 2 प्लस बी की 2 प्लस 2ab, तो 2a, ये a था ये b था। तो बच्चों ये फार्मूला आपने, क्योंकि आपने खुद, मैंने यहां स्टार्ट में लिख दिया था कि ये चीज हम बनाने की कोशिश करेंगे और इसको फिर अगले स्टेप में आप ये लिख दें, कोई हर्ज नहीं है, तो इस सारे को रिवर्स से बच्चों इसकी आपने लिख दी, इस सारे को आपने ये लिखा एक्स प्लस बी ओवर 2a का स्क्वायर। अब बच्चों इसकी, इसको मैं रिमूव कर देता हूं क्योंकि मेरा, मेरी जरूरत पूरी हो चुकी है, इससे सिर्फ हेल्प ली आपको समझाने के लिए इस फार्मूले को। अब बच्चों जो टर्में बची हुई हैं उसको लिखते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, ये तो सारा इसमें जम हो गया, ये तीनों टर्में इसमें जम हो गई, रिवर्स शेप लिखी। अब ये टर्म आपको नहीं चाहिए क्योंकि आपको सॉल्यूशन में एक्स अकेला करना है, ये बच्चों राइट हैंड साइड पर जाएगी। तो बच्चों ये जब राइट हैंड साइड पर टर्म जाएगी, तो
उधर जाके ये पॉजिटिव हो जाएगी, ये माइनस का साइन उधर जाके पॉजिटिव हो जाएगा। स्क्वेयर बच्चों नीचे इस पे अलग आएगा, इस पे अलग है। जब इस पे अलग आएगा तो बच्चों ये 4a का स्क्वेयर और माइनस सी ओवर ए पहले से पड़ा था उधर। बच्चों अब आप यहाँ एलसीएम लेंगे, एलसीएम जब लेंगे तो बच्चों एलसीएम में आपको पता है जो मैक्सिमम पावर, ये ए स्क्वेयर है, ये ए है। तो याद रखें जब भी अननोन कोई नंबर हो, रियल नंबर हो, उसका स्केयर हो, उधर ये अननोन दो नंबर हो, एक जो हायर पावर है दोनों में, वो लिखी जाती है एलसीएम में। उसके बाद बच्चों ये कांस्टेंट है, ये वैसे एज इट पेस्ट हो जाता है। आपको एक वे बता रहे हैं दो फ्रैक्शन का एलसीएम लेने का, जब आपके पास अननोन नंबर हो तो क्या करेंगे, कॉफिशियंट वैसे का वैसे और अननोन जो उनसे कॉन्स्टेंट है जो भी है रियल नंबर, उनमें जो मैक्सिमम पावर है वो ले लेंगे। अब बच्चों जब एलसीएम आपने लिख दिया, अब आपको वे आता है, एलसीएम को आप डिवाइड करते हैं जो फर्स्ट फ्रैक्शन से, फर्स्ट फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर से। तो डिनोमिनेटर क्या है बच्चों, 4a का स्क्वायर, ये से कैंसिल, आंसर 1 आया। 1 आगे नोमिनेटर से मल्टीपल होगा तो 1 बी स्क्वायर था, बी स्क्वायर माइनस बच्चों ये वाला सिंबल आया। अब बच्चों अगेन अगेन अब सेकंड फ्रैक्शन के साथ आप बात करेंगे तो सेकंड फ्रैक्शन में एलसीएम को डिवाइड करेंगे सेकंड फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर से, तो ये है बच्चों, ए से डिवाइड किया ये तो 4a आया। ये 4a को बच्चों आप नोमिनेटर से जाके मल्टीपल करेंगे तो 4ac। तो बच्चों ये मैंने आपको दोनों फ्रैक्शन को सॉल्व करके एलसीएम लेके दिखा दिया। अब बच्चों नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट स्टेप में आप क्या करेंगे, आपको मेन सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। तो इसका मतलब बेसिकली आप एक कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड जो आपने बच्चों प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया है सॉल्यूशन मालूम करने का, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड है सोल्यूशन मालूम किया, यहां भी आप सोल्यूशन ही मालूम कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे ए बी सी अननोन है कॉन्स्टेंट, वहां पे आपको नॉन होते थे, बस ये फर्क है। तो इससे आपने घबराना नहीं है, वे सारा वही है। अब बच्चों एक्स अकेला करने के लिए आपको स्क्वायर डिस्टर्ब कर रहा है, तो बच्चों एक्स स्क्वायर डिस्टर्ब कर रहा है तो आप इसके लिए क्या करेंगे, अगले स्टेप में दोनों तरफ क्या ले लेंगे बच्चों, मैं तो यहाँ पे यही ले रहा हूं, आप अगले स्टेप में क्या करेंगे, अप्लाइंग स्क्वायर रूट बोथ साइड, दोनों तरफ आप स्क्वायर रूट ले लेंगे। जब स्केयर रूट ले लेंगे तो स्केयर रूट जब बच्चों जब भी रिमूव होता है दो साइन आते हैं, तो दो साइन का मतलब क्या है बच्चों, ये ऊपर आ रहा है इसे मैं रिमूव कर रहा हूं क्योंकि आपको नजर अच्छे से आ जाए। तो बच्चों इसमें क्या करेंगे, ये स्केयर और ये अंडर रूट कैंसिल होकर आपके पास एक्स ओवर एक्स प्लस बी ओवर 2a, और बच्चों ये दो सिंबल आते हैं यहां पर, ठीक है। उधर बच्चों अंडर रूट कंप्लीट है ही नहीं तो वो आपके पास क्या होगा, ऊपर अलग ले लें अंडर रूट, ऊपर बच्चों वैल्यूज का अंडर रूट ले लें अलग और नीचे वाली वैल्यूज का अलग ले लें अंडर रूट। अंडर रूट आप रूल अंडर रूट के पढ़ चुके हैं पिछली 8 क्लासों में, ठीक है, 8th में 9th में उन क्लासेस में आप पढ़ चुके हैं कि अंडर रूट अगर फ्रैक्शन में आ जाए तो एज अ होल तो ऊपर नोमिनेटर का अलग डिस्ट्रीब्यूट कर दें, डिनोमिनेटर का अलग डिस्ट्रीब्यूट कर दें। अब बच्चों ये प्लस माइनस, प्लस माइनस सिंबल बच्चों पल्ली तरफ लिख लें, इसका कोई हर्ज नहीं है, ठीक है। और आपको ये भी बता देता हूं कि आया कि प्लस माइनस सिंबल अंडर रूट जब रिमूव करते हैं तो क्यों आते हैं, तो बच्चों इधर 4 का अंडर रूट क्या होगा 2 और a का अंडर रूट स्क्वायर ब्रेक करके 2a आएगा, 4 का अंडर रूट 2 और a स्क्वायर का अंडर रूट 2। तो बच्चों ये दो सिंबल क्यों लाए, याद रखें जैसे ये 4 है बच्चों, ये 4 है आपके पास, आपको नहीं मालूम ये किस नंबर का स्क्वायर है परफेक्ट, ये 2 का स्क्वायर भी है बच्चों, और ये बच्चों अगर देखा जाए तो माइनस 2 का स्क्वायर, क्यों माइनस 2 का स्क्वायर लें तो 4 आएगा और 2 का स्क्वायर लें तो तब भी 4 आएगा। तो बच्चों हमें नहीं मालूम होता कि ये 4 परफेक्ट नंबर यानी प्लस 2 का स्क्वायर है या माइनस 2 का स्क्वायर है, किस नंबर का ये परफेक्ट स्क्वायर है, तो इसे सॉल्व करें प्लस 2 आता है, इसे सॉल्व करें माइनस 2 आता है। जब हमें पता होता है प्लस का तो प्लस देता है, अगर पता हो हमें कि हमें पहले अनाउंस कर दे ये 4 माइनस 2 का स्क्वायर है तो बच्चों फिर वो आंसर क्या आएगा, 4 की अंडर रूट माइनस 2 आएगी। लेकिन अगर बच्चों जब हमें नहीं मालूम होता है कि वो किस नंबर का स्क्वायर है तो फिर हम क्या करते हैं, जब ये सिचुएशन ना हो, ना ये हो ना ये हो, तो फिर हम दोनों सिंबल लगाते हैं उस सूरत में, क्योंकि हमें हमारे लिए बच्चों ये अननोन होता है कि किस नंबर का परफेक्ट स्क्वायर है, इस वजह से ये दो सिंबल आते हैं। अब ये दोनों बच्चों राइट हैंड साइड पे लेते हैं, कोई इशू नहीं है। अब बच्चों मेन आपने एक्स अकेला करना है तो एक्स हम करीब आ चुके हैं, तो बच्चों ये प्लस बी ओवर है पल्ली तरफ जाएगी यानी राइट हैंड साइड पे बच्चों जाएगी, तो ये क्या हो जाएगी माइनस। बाकी बच्चों ये जो टर्म पहले से पड़ी हुई थी विद टू साइन ये वैसे की वैसे ही। अब बच्चों मजीद एंड आ चुका है बच्चों, एलसीएम लेंगे आप तो 2a एलसीएम, 2a 2a कैंसिल, तो आपके पास 1 बच्चा आएगा क्वेश्चन, वो कन क्वेश्चन 1 जोन से बच्चों किससे मल्टीपल करेंगे, नोमिनेटर से,
वन बी इज़ अ बी और माइनस प्लस माइनस ए बी सी से कैंसिल, वन आएगा, वन नोमिनेटर से मल्टीपल हुआ तो आपके पास बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी। तो बच्चों ये आपके पास फार्मूला ड्राइव हो गया। तो बेसिकली कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड नहीं, आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फार्मूला, क्वाड्रेटिक जो फार्मूला है वो ड्राइव करके दिया। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फार्मूला जो आंसर है वो कहां से ड्राइव हुआ, ए एक्स स्क्वायर। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के यानी इक्वेशन का सोल्यूशन ही बच्चों ये है, जनरल सोल्यूशन आपने समझ लें क्वाड्रेटिक। तो बच्चों जैसे फार्मूला ड्राइव हुआ गौर से देखिएगा ये है। तो बच्चों इस फार्मूले का यूज नेक्स्ट लेक्चर में हम आपसे डिस्कस करेंगे और उम्मीद है बच्चों आपको अच्छे से समझ आई होगी। आज के लिए बच्चों इतना ही, जुगनू मैथ की तरफ से अल्लाह ताला बच्चों आपका हामी नासिर हो।